गुड मॉर्निंग छात्रों, आज कक्षा 12 जीव विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण अध्याय पादप प्रजनन की ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसमें जो है ये आज का जो प्रकरण या टॉपिक देखेंगे जनन की विशेष विधियाँ। ऐसे सामान्य रूप से जनन में आप जानते हैं एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक मिल करके जायगोट का निर्माण करते हैं, फिर जायगोट से भ्रूण का निर्माण होता है। लेकिन ये जो है जैसा हेडिंग से ही पता चल रहा है, टॉपिक से ही, जनन की कुछ विशेष विधियाँ, इसमें कुछ विचित्र प्रकार का जो है आपको जो है देखने को मिलेगा। इसमें जो है फर्स्ट इसमें है असंग जनन, इसे इंग्लिश में एपोमिक्सिस कहते हैं। कभी कभी आप देखेंगे पौधों के जीवन चक्र में, पौधों के जीवन चक्र में संयुग्मन तथा अर्धसूत्री के विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के बिना भी नए पौधे या बीज का पौधे का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस। इस परिभाषा को पुनः सुनिए, कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में संयुग्मन तथा अर्धसूत्री विभाजन के बिना भी नए पौधे के विकास, नए पौधे के विकास होने की प्रक्रिया को असंग जनन या एपोमिक्सिस कहते हैं। ये एपोमिक्सिस की क्रिया जो है मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला इसमें जो है काई है, जिसमें जो है बीज या जो है फल का निर्माण नहीं होता है, किसी जो है कोशिका से, दुग्धित कोशिका से पौधे का विकास हो जाता है। जैसे आप इसमें एग्जाम्पल में देखिए, आलू हो गया, गन्ना हो गया, आलू के कंद को जो है लगा दिया जाए तने को, उससे पौधा तैयार हो जाता है। गन्ने के तने को लगा दिया जाए, उससे पौधा तैयार हो जाता है। फिर दूसरा जो है अनिषेक बीज का, जिसमें जो है एक एमोस्पर्मी, मतलब इसमें जो है लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण होता है। इन द एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीड आर फॉर्म, दिस कंडीशन इज नोन एज एगैमोस्पर्मी, मतलब लैंगिक जनन के अभाव में बीज के बनने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता भी जो है तीन प्रकार की होती है। इसमें जो है फर्स्ट है अपस्थानिक भ्रूणता, दूसरा द्विगुणित बीजाणुता और तीसरा जो है अपबीजाणुता। इसमें हम फर्स्ट अपस्थानिक भ्रूणता में देखेंगे कि इस प्रकार के बीज के निर्माण में बीजांड काय, अर्थात जो है जैसे एंड्रोसाइट देखेंगे आप इसमें, तो इसमें जो है बीज में जो है एंटीपोडल पोलर न्यूक्लियाई होता है, ऊपर जो है एंटीपोडल से, यहाँ पर जो है एक सेल और सेनेटिक सेल होती है। तो ये जो न्यूक्लियस की कोशिका, इसके बाहर जो है ये जो चारों तरफ जो ऊतक होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, उससे जो है भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता। फिर उसके बाद दूसरी है द्विगुणित बीजाणुता, इस प्रकार के बीज के निर्माण में दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका, मतलब MMC में बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही इम्ब्रियो सैक का निर्माण हो जाता है, और फिर उससे जो है बीज का निर्माण हो जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, द्विगुणित बीजाणुता या जो डिप्लोस्पर्मी। फिर इसके बाद इसमें थर्ड टॉपिक है अपबीजाणुता। अपबीजाणुता मतलब इसमें न्यूक्लियस की कोई कोशिका भ्रूण कोष के रूप में बदल जाती है। इस तरह से आप जो है असंग जनन की टॉपिक को समझे। फिर उसके बाद जो है दूसरा जो है, ये तीनों में से किसी एक को जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है छोटे क्वेश्चन में, तो अपयुग्मन किसे कहेंगे, अवृत भ्रूण कोष के अंड कोशिका के अलावा, अगुणित भ्रूण कोष के अंड कोशिका के अलावा। ये एक सेल है अगुणित भ्रूण कोष के अंड कोशिका के अलावा, सेनेटिक सेल या एंटीपोडल सेल से भ्रूण कोष के विकास की क्रिया या भ्रूण के विकास की क्रिया को हम क्या करते हैं, एगैमो आपकी उम्मन या एकोगैमी। आप इस परिभाषा को पुनः सुनिए,
कि भ्रूणकोश के अंड कोशिका के अलावा किसी दूसरी कोशिका जैसे प्रतिमुख कोशिका या सहायक कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अपयुग्मक, इंग्लिश में एगैमो, एपोगैमो, ठीक है। फिर उसके बाद जो है तीसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है बहुभ्रूणता, पॉलीएम्ब्रियोनी। जैसे सामान्यतः आप जानते हैं कि भ्रूण के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर एक ही भ्रूण का विकास होता है, लेकिन एक से अधिक जब भ्रूण बन जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुभ्रूणता। ये जो घटना जो है जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधों में सामान्य होती है, अर्थात सभी जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी वर्ग के पौधों में बहुभ्रूणता पाई जाती है, लेकिन आवृत बीजी अर्थात एंजियोस्पर्मिक पौधों में भी देखा गया है। इसको सर्वप्रथम जो है एंटोनी वॉन लुएनहार्ट नाम के वैज्ञानिक ने 1791 ईस्वी में संतरी में खोजा था, संतरी के बीज में बहुभ्रूणता को खोजा था। तो आप जान गए कि बहुभ्रूणता जो है जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधों में सामान्य घटना है, लेकिन एंजियोस्पर्म वर्ग के पौधों में भी कुछ पौधों में पाई जाती है, बहुत कम पौधों में पाई जाती है। जैसे जो है केसीफुल के पौधों में देखा जाए नींबू है, संतरा है, मौसमी है, इसमें पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है। तो इसकी परिभाषा एक बार फिर से सुनिए। सामान्यतः भ्रूण के अंदर या जो है भ्रूणकोश के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर एक से अधिक भ्रूण बन जाए, एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाए तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी की खोज एंटोनी वॉन लुएनहार्ट नाम के वैज्ञानिक ने 1791 ईस्वी में किया था संतरे के बीज में, इसलिए इन्हें जो है पॉलीएम्ब्रियोनी के जनक के नाम से, बहुभ्रूणता के जनक के नाम से भी जानते हैं। ये जो है एंटोनी वॉन लुएनहार्ट जो है एक कोश की जीवित कोशिकाओं की भी खोज किए थे, तो इन्हें सूक्ष्म बीजाणु या सूक्ष्म या माइक्रोबायोलॉजी के जनक कहते हैं, जीवित कोशिका का अध्ययन करने वाले प्रथम वैज्ञानिक। आज की वीडियो में बस इतना रहेगा, आज ये चैप्टर समाप्त हुआ। किताबों की सहायता से इन तीनों टॉपिकों को जो है नोट बना लीजिए और जो है तैयारी कीजिए। अक्सर परीक्षाओं में इन तीनों में से कोई एक आता रहता है, 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन। धन्यवाद।